शिवाजी महाराज एक जात्रा करने के लिए होते हैं।
किसी को लगता है कि शिवाजी महाराज एक जात और धर्म के, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का कर्म और बैरिस्टर अंतुले जी आपको बताते हैं हमेशा वो बैरिस्टर अंतुले थे जिसने 24 घंटे में जो हमारा जिला है कुलाबा का नाम बदलकर रायगढ़ कर दिया था, तो रायगढ़ छत्रपति की राजधानी रही और बहुत सालों से काम कर रहे थे कि कुलाबा का नाम बदलो और रायगढ़ करिए वहां छत्रपति की राजधानी, बहुत मुख्यमंत्री हो गए सब हो गए लेकिन बैरिस्टर अंतुले छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े भक्त हमेशा के। बैरिस्टर अंतुले साहब ने 24 घंटे में एक ऑर्डिनेंस निकाला और कुलाबा का नाम मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं तो महाराष्ट्र की भक्ति में हमेशा हम एक साथ थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आचरण रहा जो प्रभाव रहा हमारे समाज के ऊपर। और जब हमारे बहुत से मित्र यहाँ बैठे परिचित हैं सामने हमारे मक्के साहब बैठे उनके अखबार चलाते हैं हमेशा मेरे साथ उनकी बातचीत होती है उर्दू अखबार के बहुत हमारे मित्र मेरे साथ बात करते हैं चर्चा करते हैं। आज देश का माहौल ऐसा है छत्रपति का विचार कोई लेकर आगे नहीं जाएगा, छत्रपति को भी लोगों ने बांट लिया है जात और धर्म और हमेशा ये प्रचार किया मतलब भी लोगों ने कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये मुसलमानों के विरोधी थे, वो राजा थे और एक राजा जैसा होना चाहिए सब प्रजा किसी जाति और धर्म की हो वो मेरी है मेरी संतान। इस प्रकार से छत्रपति आपके किताब में क्या लिखा है मुझे मालूम, मैं समझ लू नवाब मलिक साहब से क्योंकि बहुत अच्छे मराठी के वो पंडित थे लेकिन उर्दू के बारे में जिसका आपने नाम लिया विद्याधर मुझे साथ मैंने उनके साथ काम किया तो वो लोकसत्ता के एडिटर थे मुझे मालूम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उर्दू में किताब लिखना या अपने आप में साहस है मानता हूं साहस हिम्मत क्योंकि जिस माहौल में आज हम लोग जी रहे हैं इस माहौल में देश का समाज में जो माहौल बन गया है वो तो माहौल क्या होगा आपने क्या लिखा है मालूम नहीं लेकिन एक मुसलमान पत्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीफ करता है ये दूर नहीं लेकिन एक ऐसा मंच है जहां सब मुसलमान नेता उसमें संजय राव पे है कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी ये सबसे पहले राजनीति शुरू जब चार मुसलमान और वो हिंदू एक साथ बैठते हैं तो कोई अच्छी बात की हो सकती है समाज की बात हो सकती है देश की बात हो सकती है ये अब सोच लोगों के दिमाग में इसलिए जो आपने कहा कि मैं मुहिम चलाना चाहता हूं आप जरूर मुहिम चला रहे आपके साथ कोई आया रहता है लेकिन हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी जैसे आपने कोसे दाखिले शिवाजी के आर्मी में कौन थे उनके कैबिनेट में कौन थे ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमान शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड मुसलमान जब अफजल खान के साथ लड़ाई में गया था उनके बॉडीगार्ड मुसलमान थे और शहीद हो गया वो और मैं बताता हूँ रायगढ़ में उसकी कब्र बनाई शिवाजी
महाराज नयगढ़ में बैठे थे वहां उनकी आज भी कब्र रखी है और वहां भजित है। ये शिवाजी महाराज औरंगजेब औरंगजेब का जब कराता है तो मैं बहुत कम लोगों को मालूम है कि औरंगजेब राजा था और ये सियासती लड़ाई थी। जैसे आपने कहा राजा को कोई धर्म नहीं होता, वो पॉलिटिक्स होता है, ये है। लेकिन औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को चार पत्र लिखे हैं और उसने कहा कि आप इस्लाम के भी संरक्षक हैं। ये औरंगजेब लिखा है और ये डॉक्यूमेंट है, मैं इसमें देख रहा था, ये डॉक्यूमेंटेशन है। ग्रैंड डफ ने लिखा है कि शिवाजी ने अपने जीवन में कभी मुस्लिम जो सुल्तान थे उसने जो मस्जिदें बनाई मदरसे बनाए उनको कभी हाथ नहीं लगाया, न तोड़ा न मस्जिद का दान होता है। इस फायदे के छत्रपति शिवाजी सच फायदे सेक्युलर धर्म का अर्थ क्या है वो पंडित तेरों ने बताया, देश का प्रधानमंत्री नहीं होता है। सेक्युलर क्या होता है वो राजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपने आचरण से बताता है, बताना नहीं पड़ता है कि भाई सेक्युलर हूं देश सेक्युलर है। राजा के आचरण से पता चलता है कि सेक्युलर कौन है और कोई ना कोई और। इसलिए मैं त्रिभाव आपके आधार ही नहीं है, इस राज्य का और इस देश का हर शिवाजी भक्त आपका आभारी होना चाहिए कि आपने उर्दू में छत्रपति शिवाजी को मत बहुत से गलत छवियां सभी नेताओं के सभी राजाओं के वो आपने एक राजा जो महाराष्ट्र का राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य कितना था आपको मालूम है? कितना था? दो या तीन डिस्ट्रिक्ट, दो तीन, एक नगर था, पुणा था और दो चार, बहुत छोटा राज्य था। उसे हिंदवी स्वराज्य कहा था। हिंदवी स्वराज्य का मतलब सिर्फ धर्म से नहीं होता, देश को अगर धर्म से राम से जोड़ा जाता देश को भी दिखता नहीं ये दुनिया का। हमारे पड़ोसी में देखिए, हमारे पड़ोसी देश को देखिए, हम सबको साथ लेके जाएंगे, सबको साथ लेकर जाना चाहिए। जरूर जो धर्म होता है वो रोटी कपड़ा मकान देने वाला होता है। आप अगर रोटी कपड़ा और मकान देंगे तो आपको कुछ कुछ को धर्म नहीं पूछे, कुछ जात नहीं पूछे। आज हमारे सड़क पर हर जाति के लोग उतर गए, क्यों उतर गए? क्योंकि हमारे राज्य बनना कमजोर पड़े। छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने प्रजा को संतान से भी ज्यादा मारा। ये सब बातें लोगों के सामने आनी चाहिए, सिर्फ मराठी में नहीं हिंदी में। इस देश के 20 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान भाई बहन, ये देश में मुसलमान है आज से नहीं है, और इस देश के मुसलमानों ने जितनी कुर्बानी दी है उसको भी हम सलाम करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के लिए भी मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। इतिहास शिवाजी का जो राज्य बना था तो राज्य बनाने के लिए भी बहुत से मुसलमान भाइयों ने कुर्बानी दी है, इतिहास में लिखा है। इतिहास आप बदल नहीं सकते, चाहे राज्य बदल सकते हैं, प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन इतिहास नहीं बदल सकते भाई। मैं आपका फिर एक बार आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने बहुत बड़े बड़े लोग पंडित दो भगवान यहाँ बैठे आहार साहब को बहुत बड़ा भाषण करेंगे, मैं भी बैठना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूँगा। मैं इस फंक्शन के लिए बना था, मुझे नंदुरबार में जाना है, वो बहुत लंबा रास्ता है, तो मैं आप सभी जो मंच पर बैठे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।